बीकानेर से अहम खबर है, विधायक और पुलिसकर्मी में विवाद हुआ है। विधायक सुमित गुदारा का इससे लेकर बयान भी आया है, पुलिस अवैध वसूली करती है, सिख चालक की पगड़ी गिराना अनैतिक है, एसपी को मिलकर मैंने पहले भी शिकायत की थी, इस मसले को विधानसभा में भी उठाऊंगा, इंटरसेप्टर गाड़ी 35 किलोमीटर दूर क्या कर रही है। उन्होंने कहा मेरे इलाके में अवैध वसूली नहीं होने दूंगा। मामले में पुलिस आला अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि विधायक सुमित गोदारा का सीधे तौर पर कहना है कि पहले भी एसपी को मिलकर मैंने इसे लेकर शिकायत की थी। जिस तरह से पुलिस अवैध वसूली करती है, सीधे तौर पर आरोप पुलिस पर लगाया है कि अवैध वसूली का खेल पुलिस का जारी है और इसे मैं अपने इलाके में होने नहीं दूंगा, यानी कि मेरे क्षेत्र में अगर पुलिस ये सोच रही है, ये चाह रही है कि वो अवैध वसूली कर सके तो वो गलत है, उसे ये करने नहीं दिया दूंगा, ये कहना है विधायक सुमित गोदारा का। और चलिए इस पर बातचीत के लिए बीकानेर से संवाददाता हमारे साथ लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, विधायक और पुलिसकर्मी में विवाद और सीधे तौर पर विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस अवैध वसूली करती है। देखिए बिल्कुल श्वेता, पहले जो है ये बात सामने आई थी कि पुलिस कर्मियों से एमएलए ने विवाद किया, लेकिन बाद में जो कुछ वीडियो विधायक ने जारी किए उसमें साफ तौर पर लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो ट्रक ड्राइवर है सिख, जैसा कि विधायक ने आरोप लगाया है, उसकी पगड़ी को गिराने की बात कही गई है। क्योंकि ये ऐसा मामला हो जाता है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो नितांत निंदनीय है। और जहां तक विधायक की बात है, उनका कहना यह है कि मैंने एसपी से बात की थी, वह इंटरसेप्टर गाड़ी 35 किलोमीटर दूर क्या कर रही है, कुछ ऐसे सवाल हैं उनके जो वो पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अवैध वसूली कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का अपना तर्क है, उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जरूरी होती है और इसी के मद्देनजर यदि कोई चेकिंग हो रही है तो वो गलत नहीं है। अब सच क्या है झूठ क्या है अलग बात है, लेकिन वीडियो जो बता रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि विधायक जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जिस तरह के वहां पर वीडियो आ रहे हैं तो ये सवाल है। और देखिए पुलिस पर ये आरोप आसानी से लगा भी दिया जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस में भी कुछ दिक्कतें रही हैं, तभी इस तरह के आरोप एक विधायक लगा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं इस मामले को असेंबली में भी उठाऊंगा। तो निश्चित तौर पर ही जो जिस तरह से बार बार कहीं ना कहीं विवाद जुड़ रहा है, तो जो पुलिस के आला अधिकारी है डीआई, उनको इस मामले में गंभीरता से प्रसंज्ञान लेना चाहिए और यदि पुलिस सही है तो अपना स्टैंड रखना चाहिए और यदि पुलिस कार्मिक की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लक्ष्मण बिल्कुल, धुआं वही उठता है जहां आग होती है और हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिस तरह से विधायक सुमित गोदारा ने सीधे तौर पर पुलिस पर यह आरोप लगाया, अब इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक सुमित गोदारा जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित जी, आपने आरोप लगाया कि पुलिस अवैध वसूली करती है और आपके क्षेत्र में आप ऐसा होने नहीं देंगे, कितनी सच्चाई है इस बात पर, क्योंकि पुलिस तो इसे नकार रही है। बिल्कुल, ये इंटरसेप्टर व्हीकल है जिसकी ड्यूटी होती है सिर्फ ओवर स्पीड गाड़ियों को रोकना जी। और ये आज से 8-10 महीने पहले भी उसी एक पर्टिकुलर स्थान है 35 किलोमीटर दूर एक मंदिर के पास खड़ी होती है, तब भी मैंने इसका विरोध किया था, वहां से हटाया गया जी। और ये आगामी पिछले 15-20 दिनों से खड़ी होने लगी गाड़ी वहां पर, और उसी स्थान पर खड़ी होती है और ट्रक वालों को ट्रैक्टर वालों को रोकती है और बाहर से और यहाँ क्षेत्र के जितने भी ट्रैक्टर ट्रक ड्राइवर है वो सब परेशान। और मैंने 5 दिन पहले जिला अधीक्षक को फोन कर ये बाकायदा, जब मैं लूटकर सर हर दिन आजकल जा रहा हूँ जनसेवा के द्वारा कार्यक्रम के तहत, तो मैंने 5 दिन पहले उन्हें दूरभाष पर फोन कर कहा, एसपी साहब ने कहा वो अफ्रेज भी नहीं है उतनी दूर जाने का तो कैसे जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं होने दूंगा। और आज जब वो वहाँ पे खड़े तो ट्रकों को रोककर खड़े हुए थे, जबकि इंटरसेप्टर व्हीकल्स आर ओनली मेंट फॉर ओवर स्पीडिंग। तो मैंने उनको पूछा और उसी समय एक सरदार ड्राइवर था वो बोला साहब हमसे पैसे लिए, तो उससे दूर से पुलिस वाले उससे मारपीट करने लगे और उसकी पगड़ी उछाल दी। तो ये विषय ऐसा हुआ तो मैंने पुलिस के एसपी साहब आईजी साहब दोनों को बताया और लोगों का ये वहाँ पे कहना है कि दिन के 1.5-2 लाख की वसूली वहाँ से करके जाते हैं बाहर वालों से और क्षेत्र वालों से। बिल्कुल, लेकिन सुमित जी आपने कहा कि आपने पहले भी इसे लेकर शिकायत की थी एसपी साहब से, जिसके बाद उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होगा और उसके बाद कुछ टाइम तक नहीं हुआ, अभी क्या प्रतिक्रिया आई है क्या एसपी से? अभी ये कारण क्या, कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुए तो उसके नाम पर पुलिस ने इंटरसेप्टर व्हीकल्स लगाने शुरू किए, इंटरसेप्टर पुलिस की ये उसको ऐसा की हम तारीफ करेंगे, पर वो ना करके पुलिस वाले उस कार्य को छोड़कर कि दुर्घटना रोकने के लिए वो इस अवैध वसूली में लगे। सुमित जी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एसपी प्रदीप मोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर एसपी। प्रदीप मोहन जी, सुमित गोदारा जी हमारे साथ है फोन लाइन पर, उन्होंने कहा कि आपसे भी पहले शिकायत की गई थी लेकिन एक बार फिर से वही काम शुरू हो चुका है, सर क्या एक्शन लिया जा रहा है आपकी तरफ से?
ऐसा है कि ये इन्होंने मुझे कंप्लेंट की थी सुबह, मैंने उस समय उसी इमीडिएटली जो डिप्टी एसपी डूंगरगढ़ है उनको मौके पे भेजा और जो इन्होंने पदार्थ बताई उस बारे में मैं और जांच करवा रहा हूँ। और जो सिख ड्राइवर के बारे में इन्होंने बताया उसके बारे में ड्राइवर अभी हमें मिला नहीं, तो हम उसको ढूंढवा रहे हैं। अगर शिकायत पाई जाती है उस प्रकार की करने की तो बिल्कुल जाँच करेंगे। इन्होंने जो वीडियो कुछ भेजा है उसकी भी मैं करवा रहा हूँ और अगर किसी गलती पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। प्रदीप मोहन जी, तो क्या ये पुलिस मान रही है कि वहाँ पर अवैध वसूली पुलिस कुछ पुलिसकर्मी कर रहे थे? उसकी जांच कर रहा हूँ मैं और जांच के बाद बता पाऊंगा और गलती पाई गई तो कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या अभी इंटरसेप्टर गाड़ी लगी, क्योंकि इससे पहले भी आपसे शिकायत उन्होंने की थी? प्रदीप जी आप सुन रहे हैं, तो प्रदीप मोहन शर्मा एसपी जिन्होंने अपनी बात कही और फोन रख दिया। लेकिन सुमित गोदारा जी हमारे साथ बने हुए। सुमित जी आपने भी सुना प्रदीप मोहन शर्मा ने दो टूक बात कही कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। मुझे विषय समझ में नहीं आया जब जिले के पुलिस अधीक्षक को पांच दिन पहले स्थानीय एमएलए ये बात कहता है कि ये और एसपी कहता है कि नहीं वहाँ पर बंद होगा, कैसे गए मैं उसको देखता हूँ और पांच दिन तक गाड़ियाँ लगातार खड़ी है और कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हमें तो लगता है जिला पुलिस अधीक्षक इसके लिए दोषी है जो इस तरह की हो रही है बीकानेर में। और आप देखोगे पुलिस की लापरवाही के कारण ऐसी अनेक घटनाएं और पुलिस वाले इस तरह वसूली। और मेरा ये मानना है जब राजस्थान सरकार के टैगलाइन है पधारो हमारे देश, एक तरह तो हम पर्यटकों को बुलाते हैं, जो हमारे यहाँ पर्यटक और जो बाहर के लोग आते हैं और उनसे घुसते ही अवैध वसूली करते हैं, तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल ये बात तो सही है सुमित जी। हालांकि हमने भी एसपी साहब से जानने की कोशिश की कि एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या पुष्टि इस बात की हो रही है, उन्होंने कहा जांच की जाएगी, यानी अभी ये मान नहीं रहे कि वाकई में वहां पर अवैध वसूली की जा रही थी या नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि आश्वासन तो दिया है प्रदीप मोहन शर्मा ने, जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा, क्या लिया जाता है। मैं ये विषय राजस्थान विधानसभा में उठाऊंगा कि पुलिस की जो मोबाइल यूनिट्स हैं और जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अपना मूल काम छोड़कर हमेशा ये वसूली के काम पर क्यों रुकते हैं? और क्या हमारा ये काम जो बेचारे ट्रक वाले जो मौत पर लेकर चलते हैं, बेचारे इतने मुश्किलों में चलते हैं और सेवा करते हैं, क्या हमारा ये? सुमित जी बिल्कुल, क्योंकि आप विधायक हैं, विधानसभा में आप ये मुद्दा उठा भी सकते हैं और उठाना भी चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी कुछ पुलिसकर्मी ऐसा करते हैं पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है, तो इसमें एक्शन लेने की भी जरूरत है। अब देखना होगा कि जिस तरह से एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा है वो एक्शन लेते हैं कि नहीं, और राजस्थान का बिल्कुल प्रदेश का नाम बदनाम होता है और हम नहीं चाहते कि इस तरह के मामलों में पुलिस या फिर राजस्थान को उदाहरण बनाया जाए। बहुत शुक्रिया प्रदीप सुमित गोदारा जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।